किसी भी यूआई डिजाइन को करते टाइम पे टाइपोग्राफी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और वो कितनी इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू क्रिएटिव वेडनेसडे वेयर वी टॉक अबाउट यूआई डिजाइंस एंड क्रिएटिविटी एंड द प्रिंसिपल्स दैट वी कैन यूज टू एनहांस यूआई स्किल्स एंड डिजाइनिंग स्किल्स। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में बात करूंगा कैसे अपनी टाइपोग्राफी आप इंप्रूव कर सकते हैं किसी भी यूआई डिजाइन में। ये बेसिक एट टिप्स यूज करके हम सभी को पता है टाइपोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और ये सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट है मेरे हिसाब से किसी भी डिज़ाइन में। अगर आप टाइपोग्राफी के प्रिंसिपल अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं और अगर आपको उनकी बेसिक नॉलेज नहीं है तो हो सकता है जो आपके यूआई डिज़ाइन की रीडेबिलिटी है वो थोड़ी कम से हो जाए और जो यूज़र्स हैं जो उसे एक्सपीरियंस करने वाले जो उसे यूज़ करने वाले वो उतने अच्छे से उसका बेनिफिट ना ले पाए और उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े पूरा यूआई डिज़ाइन समझने में। सो लिस्ट स्टार्ट करते हैं पहली टिप से। जो पहली टिप है वो एक्स हाइट है। लेट्स टॉक अबाउट द एक्स हाइट ऑफ एनी टाइपोग्राफी। एक्स हाइट एक्चुअली में क्या होती है, अगर आप मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो लोअर केस एंड अपर केस के बीच में डिफरेंस होता है, जो हाइट डिफरेंस होता है वो मेंटेन्ड होना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो लोअर केस है वो ज़्यादा छोटा है और जो अपर केस है वो ज़्यादा बड़ा है। ये जो एक्स फैक्टर एक्स हाइट होती है दोनों के बीच में हमें मेंटेन कर रखनी पड़ती है क्योंकि 95% जो भी हम टेक्स्ट पढ़ते हैं वो लोअर केस होता है। तो मेरी पहली टिप यही है जो आपके टेक्स्ट ब्लॉक है उसमें जो आपका एक्स हाइट है वो मेंटेन्ड होनी, तो जो हाइट डिफरेंस है अपर केस में लोअर केस में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टिप नंबर टू है काउंटर्स। काउंटर्स क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट काउंटर फर्स्ट। काउंटर्स होते हैं किसी भी लेटर के बीच में, लेटर के अंदर में जो हमारी नेगेटिव या वाइट स्पेस होती है। लेट्स टॉक अबाउट ओ। अगर मैं आपको यहाँ ओ दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने दो ओ शो करे हुए हैं, एक जिसमें जो विद इन जो वाइट एरिया है जो सर्कल ओ का है वो बहुत ही छोटा है, एक में बहुत ज़्यादा है। जिसमें छोटा है उसमें आपको जब वो एक बहुत ही टेक्स्ट ब्लॉक में ऐसे लेटर्स आते हैं तो वो डिस्टर्ब करते हैं, तो कोशिश करें जो आपके काउंटर्स है उसमें इनफ स्पेस हो ताकि वो जो लेटर्स हैं वो रीडेबल हो और यूज़र आसानी से पूरे टेक्स्ट को स्कैन कर पाए। तीसरी टिप जो मेरी पूरी लिस्ट में है वो है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट सबको पता है जिसने CSS करी है, जिसको डिज़ाइनिंग की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है टाइपोग्राफी की, उसे पता है फॉन्ट वेट क्या होता है। फॉन्ट के वेट स्टार्ट होते हैं 100 से लेकिन 900 तक, कोई कोई फॉन्ट 800 तक भी जाता है डिपेंडिंग कौन सा फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हो। तो अगर इसे आप मोर फ्रेंडली वे में बोलोगे तो बहुत तरीके के फॉन्ट वेट होते हैं, फिर चाहे वो थिन हो, चाहे वो सुपर थिन हो, चाहे वो अल्ट्रा थिन हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो सेमी बोल्ड हो, चाहे वो बोल्ड हो, बहुत टाइप के फॉन्ट वेट आते हैं। तो फॉन्ट वेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी टाइपोग्राफी में, किसी भी टेक्स्ट ब्लॉक में। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो मैंने दो एग्जांपल दिखाए फॉन्ट वेट्स के, एक में आप देख सकते हैं जो रीडेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है और एक में हम अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे। ओवरऑल जो रीडेबिलिटी होती है वो थोड़े डिफर करती है और उससे हमारे यूज़र की रीडेबिलिटी में बहुत फर्क पड़ता है। लेट्स टॉक अबाउट वाइट प्रोपोर्शन। आपने बहुत बार देखा होगा जो फॉन्ट फैमिली हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत बार उस फॉन्ट फैमिली में हम पे एक फॉन्ट होता है जो कंडेंस्ड होता है, जिसमें जो लेटर्स के बीच में जो लेटर की विड्थ होती है वो कम होती है। इस तरफ में उसी फॉन्ट फैमिली के कंडेंस्ड फॉन्ट है और इसी तरफ में उस फैमिली का एक नॉर्मल फॉन्ट है। आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है। ऐसा नहीं कंडेंस्ड फॉन्ट उतने यूजफुल नहीं है, पर्सनली जो मैं अपनी इस वीडियोज़ में यूज़ करता हूँ एक्चुअली में कंडेंस्ड फॉन्ट टाइप ही है, बट आप इसे एक लॉन्ग टेक्स्ट में या लॉन्ग टेक्स्ट ब्लॉक में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे रीडेबिलिटी बहुत इफेक्ट होती है। करने को आप कर भी सकते हैं डिपेंडिंग आपका यूआई डिज़ाइन क्या डिमांड करता है। आपके फॉन्ट टाइप्स होता है, एक सेरिफ होता है, एक सेंस सेरिफ होता है। पेपर्स में सेरिफ फॉन्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और सेरिफ फॉन्ट का यूज़ करने का एक ही पर्पस है, जो सेरिफ फॉन्ट्स में लॉन्ग टेक्स्ट की रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, लेजिबल फॉन्ट लगते हैं। लेकिन आज की डेट पर डिजिटल वर्ल्ड हो जा रहा है, लोग वेबसाइट्स में छोटे फॉन्ट ब्लॉक्स में और एंड अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में सेंस सेरिफ की तरह मूव हो गए हैं। लेकिन अगर आपका टेक्स्ट ब्लॉक बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर आपका टेक्स्ट ब्लॉक मोर देन 100-200 वर्ड्स है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेरिफ फॉन्ट यूज़ करें बिकॉज हमारी आईज़ आर वेल ट्रेन टू स्कैन द सेरिफ फॉन्ट एज कम्पेयर टू सेंस सेरिफ। लेकिन आपके अगर मोबाइल एप्लीकेशन में या वेब डिज़ाइन या किसी यूआई डिज़ाइन में लेस देन 100 वर्ड्स है तो आप सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली वो हेडिंग्स हो सकती है, सब हेडिंग्स हो सकती है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, स्मॉल पैर हो सकता है जिसमें आप सेंस सेरिफ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गूगल की फॉन्ट फैमिली में देखोगे तो बहुत सारे सेंस सेरिफ फॉन्ट ऐसे हैं जो सेरिफ फॉन्ट से ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, ज़्यादा मॉडर्न है एंड ज़्यादा रीडेबल है। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइनर एंड ऑन द प्रोजेक्ट व्हाट इट रिक्वायर्स। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं ट्विटर की बात करूँ तो ट्विटर में एक भी सेरिफ फॉन्ट यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि उसमें जो स्टेटस होता है छोटे छोटे होते हैं, जो पूरा का पूरा UI है वो सेंस सेरिफ बेस्ड है। ऑन द अदर एंड अगर मैं मीडियम की बात करूँ तो वो सेरिफ फॉन्ट बेस्ड है, वो क्योंकि लॉन्ग टेक्स्ट उसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट रीडिंग, तो इसीलिए उसमें हम सेरिफ फॉन्ट यूज़ करा हुआ है डेवलपर्स ने। ब्लॉक विड्थ उतनी इंपॉर्टेंट लगती नहीं होगी बहुत लोगों को, बट ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है किसी भी UI डिज़ाइन में, किसी पैराग्राफ की विड्थ में। फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई भी अपना पैराग्राफ आपके UI डिज़ाइन में है जिसकी विड्थ 100 वर्ड से ज़्यादा है,
तो आप देख सकते हैं कि जब लाइन खत्म होती है, जो आंखों को ट्रैक करने में, अगली लाइन ट्रैक करने में, वापस बैक टू नेक्स्ट लाइन आने में जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा, और आंखें ढूंढती रह जाती है, जो हमारी आईज होती हैं वो ढूंढती रह जाती है, उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये बहुत लोगों को फेस नहीं होता, वो लोग बोल देंगे नहीं नहीं इट्स ओके, बहुत नॉर्मल है, बट जो रीडेबिलिटी है इससे बहुत इफेक्ट होती है। मैं यहाँ पे तीन केस दिखाता हूँ, एक केस जिसमें रीड करना बहुत मुश्किल है, दूसरा केस जो बिल्कुल परफेक्ट है, एंड तीसरा केस जिसमें बहुत जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तीनों केस के अपने अपने एप्लीकेशन है, आप ऐसा नहीं कि तीनों केस आप यूज़ नहीं कर सकते, बट जो सेकंड केस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड बहुत ज़्यादा रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है। बेस्ट है वो है टेक्स्ट टू ब्लॉक विड्थ, जो मेरे हिसाब से है वो 60-75 वर्ड्स। ये चेंज हो सकती है डिपेंडिंग सेम प्रोजेक्ट की डिमांड क्या है, डिज़ाइनर के टेस्ट क्या है। हायरार्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे यूज़र को पता चलता है कि जो सेक्शंस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। लेट्स से हमारी हेडिंग कौन सी, हमारा टेक्स्ट कौन सा, हमारा डिस्क्रिप्शन कौन सा, हमारी सब हेडिंग कौन सी है, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैडिंग्स, टेक्स्ट फॉन्ट्स, टेक्स्ट वेट एंड मार्जिन्स, अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं अपने यूआई डिज़ाइंस में, ताकि हम एक डिफरेंस बना सकें हेडिंग्स के ऊपर एंड अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर। सेपरेटर्स उतने इंपॉर्टेंट लगते नहीं है, बट ये एक्चुअली में आपके हेल्प कर सकते हैं आपके पूरे यूआई डिज़ाइन को इम्प्रूव करने में। लेट्स से आपके पास दो सेक्शन है, तो ऐसे में डिज़ाइनर यूज़ करते हैं सेपरेटर्स। सेपरेटर्स दे यूज़ करते हैं बहुत ही थिन हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने, मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। इससे क्या होता है कि जो यूज़र्स की आई होती है वो धीरे धीरे ट्रेन हो जाती है, आपके पूरे यूआई के लिए कंफर्टेबल हो जाती है, एंड उसे समझ में आता है कि कौन सा सेक्शन अलग है, कौन सा सेक्शन अलग है। लेट्स से अपने सेक्शन में आप दिखाना चाहते हैं यूज़र्स को, चाहते हैं कि वो अटेंशन पे करें इस चीज़ में कि चीज़ें अलग अलग हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, तो इस तरीके इस चीज़ के लिए आप सेपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको सारे टिप्स अच्छे लगेंगे जो मैंने मेंशन करे पूरे टाइपोग्राफी के ऊपर, जो यूज़ करके आप अपने यूआई डिज़ाइन को इंप्रूव कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आई एम गोइंग टू पोस्ट मोर एंड मोर वीडियो जस्ट लाइक दिस वन, सो दैट यू कैन इंप्रूव योर डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग गेम। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।